दिव्यांग की आंखों से छलकते आंसू उसकी बेबसी की गाथा बयां कर रहे हैं, क्योंकि दिव्यांग की रोजी रोटी पर आ बनी है। दिव्यांग ने अपनी अपंगता के सामने कभी घुटने नहीं टेके, बल्कि अपनी मेहनत से अपने परिवार का भरण पोषण करता आ रहा था। लेकिन चंद चोरों ने उसका रोजगार छीन लिया और कानपुर साउथ की होनहार पुलिस ने दिव्यांग को जांच के नाम पर चलता कर दिया। जी हां, आपको बता दें, कानपुर के जूही परमपुरवा में आज दिव्यांग बुजुर्ग रिक्शा चालक के ई रिक्शे की बैटरी चोरों ने चोरी कर ली, जिसके बाद से ही बुजुर्ग का रो रो कर बुरा हाल हो गया। आपको बताते चले कि जो ही परमपुरवा में रहने वाले दिव्यांग वाहिद ने बताया कि वह खुद ही रिक्शा चलाकर किसी तरह परिवार का पेट पालते हैं। बीते गुरुवार की सुबह आँख खुली तो देखा चोरों ने घर के बाहर खड़े ई रिक्शा की चार बैटरियां पार कर दी, जिसके बाद उन्होंने घटना की जानकारी पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच का आश्वासन देकर मामले को चलता कर दिया। वहीं दिव्यांग बुजुर्ग की माने तो वे रिक्शे की ही कमाई से रोजमर्रा के जीवन काट रहे थे, मगर अब उनकी गाड़ी की बैटरी चोरी हो गई है तो वो कैसे जी पाएंगे। दिव्यांग ने बताया कि रिक्शे में लगने वाली बैटरी की कीमत करीब 30,000 रुपए है। उनके पास तो इतना पैसा भी नहीं है कि वे दूसरी बैटरी लगवा सके। सिर्फ इतना ही नहीं, पीड़ित के अनुसार उसके पास में ही रहने वाले हसीन ई रिक्शा किराए पर चलवाते हैं। चोरों ने उनके दो ई रिक्शों से 60,000 रुपए कीमत की 8 बैटरियां चुरा ली। उनके घर से कुछ दूरी पर रहने वाले एक अन्य ई रिक्शा से भी चोरों ने 4 बैटरियां चुरा ली। इस तरह से चोरों ने एक ही रात में 4 ई रिक्शों से 16 बैटरियां पार कर दी। पीड़ित के अनुसार अभी तक पुलिस ने चोरी का मुकदमा तक दर्ज नहीं किया। थाना प्रभारी संतोष आर्य ने बताया कि पीड़ित की तहरीर मिलने पर कार्रवाई की जाएगी। इंडियन प्राइम न्यूज के लिए कानपुर संवाददाता हिमांशु श्रीवास्तव की रिपोर्ट। क्या नाम है और क्या घटना हुई? हमारा नाम है मोहम्मद वाहिद। क्या घटना हुई है? घटना ये हुई, सुबह हम 4:15 तो उठे, बाहर गए। बाहर जाकर के हमने कहा चार्जर देखने हमारा चल रहा या नहीं चल रहा, तो वहाँ जब पहुँचे तो हमको ताला टूटा मिला एक तरफ का। हमने खोल के देखा बैटरी गायब। दूसरी तरफ निगाह मारी तो कुंडा फैला हुआ था, उधर खोला तो हमको बैटरी नहीं मिली। उसके बाद में हम सुबह थाने गए, थाने में कहा, शिकायत अपनी बताई। उन्होंने कहा तुम क्या सो रहे थे और क्या कैमरे नहीं लगवा सकते हो, अपने माल की खुद चौकीदारी करो। तो हमने कहा सर हमारी एप्लीकेशन लिख ली जाए, हम विकलांग आदमी हैं। कहने के जाओ एप्लीकेशन लिखा के ले आना शाम तक जब होएगा। वहाँ से भाग के हम चौकी पहुँचे, चौकी के ऊपर अपनी एप्लीकेशन ली जा करके। उन्होंने एप्लीकेशन ली, लेने के बाद में वो रख ली। कहने के ठीक है आपका काम बहुत जल्द होएगा। फिर वहाँ से पुलिस वाले आए, पुलिस वाले आ करके यहाँ चिकिन विकिन करके फिर चले गए। फिर आए पुलिस वाले, फिर चेक करके फिर चले गए। इसी सूरत से 3 बार आए। उसके बाद में चौकी पर से फ़ोन आया कि आओ। फिर हम चौकी गए, चौकी पर गए, उन्होंने लिखा पढ़ी की लगे आपका मुकदमा हम दर्ज करा दिया, आपका मुकदमा दर्ज है और आप जो है आराम से जाइए, आपका माल बहुत जल्द मिल जाएगा। अभी तक की कोई सुनवाई नहीं, ना कार्रवाई, ना हमारे मामलात में कोई पकड़ा गया। हमारा जीने का सहारा बस यही था जो आपको हमने बताया। ये इसके अलावा क्या मांग करते हैं आप सरकार से? हम सरकार से चाहते हैं या तो हमारी बैटरी दिलवा दी जाए जो हम अपनी रोटी खा गवा सके, और क्या हम कर सकते हैं, और सरकार तो क्या चाहते हैं, बस यही उम्मीद से रुके हुए कि हमारा किसी सूरत से भाई जाड़ेगा बैटरी पड़ गए, हम अपनी रोजी रोटी कमाने खाने लगे। ये